वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको कहती है खुशामदीद। और ऑफ कोर्स अभी जो मैं गुफ्तगू करने वाली हूँ वो ये है कि डेंगी और वायरल, कभी गले का वायरल, कभी आंखों का इन्फेक्शन, कभी बुखार, टाइफाइड, ये सब डिजीज इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और हमारे एक डेंगी से तो ऑफ कोर्स एक हमारे बड़े अच्छे पॉलिटिकल पार्टी से हुनैद लखानी साहब, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी भी डेथ हुई है इसी वजह से। और बहुत सारे लोग बुखार में मुब्तला हैं। मुझे डर ज़्यादा उन मासूम बच्चों का होता है जिन बच्चों को अभी पता नहीं होता, उनको मच्छर भी काट रहे होते हैं, वो गंदा पानी भी पी रहे होते हैं, और जब वायरल होता है तो वो हवा में मौजूद होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अब हमें एहतियात की बल्कि हमेशा ज़रूरत है। अब क्या मैं कहूँ, तो जिस तरह लोगों को कभी कभी आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है, कभी लोगों को गले का वायरल हो जाता है, और ये वायरल का मतलब है कि वो किसी दूसरे को भी लग सकता है, और ये हवा में मौलक होता है। इंसान से हम ये समझे कि हम किसी इंसान से कतराएं, ऐसा नहीं है, ये कहीं पर भी आपको हो सकता है। और अभी जैसे डिज़ास्टर आया, सैलाब जदगान आपने देखा है, उस वक्त उनके जो हालात हैं वो आप बहुत बाखूबी उससे वाकिफ हैं, उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कस होगी कि वहाँ पर पानी से, जो इस वक्त पानी ठहरा हुआ है, वहाँ कितनी गंदगी होगी, कितनी गलाजत होगी, उसमें जानवर भी मरे हुए हैं, और लोग वहीं पर करीब करीब जहाँ सूखी जगह है वहाँ खेमे लगे हुए हैं, बेचारे वहीं खाना पका रहे हैं, वहीं आपको पता है वो हाजत भी करते होंगे, बच्चे मासूम होंगे, किसी को डायरिया हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और आज टॉपिक जो है वो स्पेशली डेंगी से रेलेवेंट है। और आप लोगों ने अब कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो खाने में भी इस्तेमाल करनी है और लगाने में भी इस्तेमाल करनी है, लेट्स सी। हमारे दरमियान एवरी फ्राइडे हमारे बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं, और उनकी 11 पुश्तों से जो है ये हर्बल हिकमत जो चली आ रही है, उनके परदादा, उनके दादा, उनके दादा, और माशाल्लाह जो है उनकी अपनी नॉलेज, मैं ये कहूँगी कि 11 पुश्तों की नॉलेज उनके अंदर मौजूद है, नुस्खे उनके पास, उनके वालदैन के, जो उनके सॉरी वालिद साहब, उनके दादा और उनके परदादा के मौजूद हैं। तो हिकमत में एक बड़ा नाम एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथिक, तमाम नॉलेज उनके पास है। तो कौन है? जी हाँ, यहाँ पर मौजूद हैं हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है सभी। बात यह है कि आपने बात बड़ी वाज़े कर दी, और आपके इस इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। सैलाब जो हमारे मुल्क में इस वक्त ख़ासतौर पे सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तो बड़ी ख़तरनाक सूरत जो है वो सैलाब की अब पैदा हो रही है, उसमें जो वायरल इन्फेक्शन, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगी जैसे खौफनाक अमराज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और ये अगर फौरी तौर पे इस पर कंट्रोल ना किया गया, आलमी अदारा सेहत को मैं अपील करता हूँ कि इस मौके पर जो है वो अपना रोल अदा करे, अपना किरदार अदा करे, क्योंकि सैलाब से जो इतना नुकसान, जो अमवात हुई हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा लाखों की तादाद में डेंगी से, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा और ये समझे कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, स्किन डिजीज़ आ रही हैं बहुत सारी, तो ये इसको फौरी तौर पर कंट्रोल की ज़रूरत भी है। और मैं अभी कुछ ऐसे नुस्खा जात भी बताऊंगा कि जो आम तौर पर लोग घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और उसके से इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि अभी यहाँ जो कराची से बिलोंग करते हैं वो लोग तो आपके पास नियरेस्ट आ भी सकते हैं, और कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताएं या कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो इस वक्त ऑफ कोर्स वहाँ पर, ऑफ कोर्स वो लोग मेडिसिन लेके जाते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद अभी उनकी ज़िंदगी थोड़ी अगर ऑन हुई है तो वो उस चीज़ का, जैसे दरख्तों पे कोई चीज़ होती है, हमने जैसे नीम का इस्तेमाल है या नींबू का इस्तेमाल है, तो वो लोगों के लिए होम रेमेडीज में इस्तेमाल। जी हाँ, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो आपके वहाँ पर मौजूद होती हैं। अगर फील हो बुखार तो फिर क्या करें? ये मैं अभी आपका स्टेप बाय स्टेप मौजूदात पे आ रहा हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल है, आपके इर्द गिर्द मच्छर बहुत हैं, हाँ। मच्छरों से निजात कैसे आप हासिल करेंगे, मच्छरों से बचाव कैसे करेंगे, बुनियादी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि इस मर्ज का मुकाबला करने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक।
सबसे पहले तो ये है कि आप घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आदमी को महसूस नहीं होता कि ये कितनी काम की चीज़ें हैं। मच्छर उन खुशबुओं से भागता है जो इंसान को पसंद है, सबसे बुनियादी चीज़ है कि वो चीज़ें जो आप किसी भी किस्म की, चाहे उसका इतर गुलाब है, खस का इतर है, चमेली है, या कोई भी ऐसी खुशबू है जो पसंद है, अगरबत्तियाँ हैं, आप कमरे में अगरबत्तियाँ जला लें, मच्छर भाग जाएंगे। काफूर बहुत आम सी चीज़ है, काफूर को थोड़ा सा काफूर लेकर उसको आप कमरे में धुनी दे दें, आधे घंटे बाद जब कमरा खोलेंगे तो उसमें एक भी मच्छर नहीं होगा। जबरदस्त। फिर प्याज, साबुत प्याज लीजिए, उस साबुत प्याज को काट, उसका छिलका उतार के उसके दरमियान में से धागा निकाल के लटका दे प्याज पे, और इसके इर्द गिर्द जो है वो आप लोबान का तेल जो है वो लगा के आप कमरे में लटका दीजिए, मच्छर गायब हो जाएंगे। जबरदस्त। इसी तरह हरमल की धुनी दे, हरमल की, और अजवाइन की धुनी दी जा सकती है। अजवाइन, ओके, ये भी यूनिक है, मुझे पहली बार पता चला। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें पता नहीं होती, मतलब अपने ही कमरे में आप अजवाइन की धुनी दे सकते हैं। ओके। नीम के पत्ते, इसकी भी धुनी दी जाती है, सुखा के। जी हाँ, नीम के पत्ते सुखा दे, उसको उसको भी जलाएं। तो इसी तरह माल्टा, किन्नू, नींबू, अरे वाह, ग्रे फ्रूट, मीठे, अच्छा, इसके छिलके जो है वो आप जिस्म पे लगा के सो जाए, नहीं मच्छर काटेगा। ओके, गुड। अगर कहीं सुर्खी आ गई है, क्योंकि डेंगू में अमूमन ये होता है कि स्किन पर जो है सुर्ख हो जाती है स्किन जगह जगह से, वहाँ पर आप नींबू के छिलके, क्यों माल्टा किन्नू का भी मौसम नहीं है, नींबू और मीठे, ठीक है, ग्रे फ्रूट जो है ये खाएं भी। ओके। जो जिन लोगों को फीवर हो रहा है, बुखार है, और बुखार की कैफियत में, या चाहे वो डेंगू का बुखार है या मलेरिया का बुखार है, किसी भी किस्म का बुखार है, खूब आप मीठे खूब खाएं, ग्रे फ्रूट इस्तेमाल करें, और नींबू का रस जो है वो आप नीम के पत्ते बॉयल करें, उसमें चंद कतरे नींबू का रस डालिए, ठीक है, और उसको दिन में 3-4-5 मर्तबा आधा आधा कप पिए, ठीक। इसी तरह चरायता 10 ग्राम लीजिए, और नीम के पत्ते तकरीबन 15 से 20 पत्ते नीम के लीजिए, और अगर उसमें निम्बोली मिल जाए तो वो भी जबरदस्त है। जबरदस्त। निम्बोली कहते हैं नीम का जो फल है, फल है, फल है। जी हाँ, वो आप लीजिए और उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालकर बॉयल कीजिए, कहवा बनाए, सुबह दोपहर शाम 3-4 मरतबा उसको थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा कप पिए, बुखार इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर बुखार जो है वो टूट जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मैं आपको अभी। सर, मैं एक बात आपसे करना चाह रही हूँ। जी नाज़रीन, पता है जब हम लोगों को ये मच्छर काटता है या हमें कोई भी प्रॉब्लम, सबसे पहले हमारे खून में वो चीज़ शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से अगर देखें इंसान के जिस्म में जब कोई अल्लाह न करे जब इंजर्ड होता है या एक्सीडेंट होता है, खून निकलने से हमारे अंदर एक वीकनेस सी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमें वो डंग मारता है तो वो हमारे उसका जरासीम हमारे खून में सराइयत कर जाता है, हमें निढाल कर देता है। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये मच्छर फीमेल है, मेल मच्छर से कुछ नहीं होगा, आप लोग मतलब बेजरा रहे। फीमेल ने देने हैं एग्स, ओके, जो वो खून पीता है तो उसमें से जो प्रोटीन जाती है खास, जो उसको एग्स को जो है डेवलप। ये आप नॉलेज दे रहे हैं या आप टोंट कर रहे हैं, ये मुझे बताएं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आगे है ना, इसीलिए बात से आप ही की बात को आगे बढ़ा। चलें, जस्ट लाइक हमें कि एग्जर हम लोग ये फीमेल नहीं, आपको मैं हर फीमेल थोड़ी काटती है ये मच्छरों की फीमेल है। अच्छा चलें, लेट्स सी। अच्छा, मैं सब समझ रही हूं। एक और चीज बता रहा हूं कि जिन लोगों को डेंगू हो गया है, अगर उन्हें आम मच्छर भी काट ले तो ये डेंगू वायरस जो है वो मुंतकिल हो जाता है आम मच्छर से। और बच्चों को खुदा के लिए, छोटे बच्चों को नेट के अंदर सुलाएं, एहतियात बहुत जरूरी है। घर में पानी जो किचन में ठहरना नहीं चाहिए, या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी का कोई, आपके वॉशरूम या कहीं पर भी, वहाँ पे कोशिश करें गंदे कपड़े या कोई चीज़ ऐसी ज़्यादा देर तक ना रखें। ऐसी जगहों पर मच्छर फौरन ज़्यादा ग्रूम अप होते हैं, उनकी जगह बन जाती है, या ऐसे कम जहाँ रोशनी नहीं आ रही,
कपड़े जैसे कोट टंगे हुए हैं तो वो टंगे रहे और उसको हिलाए नहीं, तो वो उस जगह पर भी वो बच्चों मच्छरों का एक सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एहतियातें बहुत जरूरी है। बात मैं करी थी खून में सराइयत कर जाता है, तो हमारे अंदर जो है खून में जब ये शामिल होता है तो हमें निढाल सा कर देता है और हमें वीकनेस सी महसूस होती है, एक निशानदेही होती है, हमारी जबान का कड़वाहट होना और उपकाई आना, भूख ना लगना, आंखें ढल जाना, और बार बार हम अपने आप को महसूस करते हैं, कभी माथे पे कभी नेक पे हम देखते हैं हमें फीवर हो रहा है। तो ये ना हो आप लापरवाही करते जाए, फौरन अपने मॉलेज से कनेक्ट करें, और अगर आपको एक दिन में या दो दिन में नहीं आराम आ रहा तो देन आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। सर आप बताइए ऐसा है कि नहीं है? मेरे ख्याल है मेरे से ज़्यादा तो आप बोल रही हैं, और सही बोल रही हूँ कि गलत बोल? मैं यही कह रहा हूँ, मेरी जरूरत ही नहीं है आप तो नहीं, आपकी ज्यादा जरूरत है। सर मुझे बताएं, जैसे अभी हमने होम रेमेडी दी कि मच्छर से भाग मतलब बच्चे को भगाने के कौन कौन से तरीके, ये बताएं कि अगर फर्स्ट एड के तौर पे अगर हमें फीवर हो तो हम एक्टिव क्या काम कर सकते हैं, घर में क्या चीजें जो हम लोग खा सकते हैं? यही चीजें हैं कि जो बता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे सबसे पहले जैसे बुखार महसूस होता है तो दो चीज़ें आप रख लीजिए, एक लोबान, ठीक है, लोबान और फिटकरी दोनों चीज़ें हम वज़न पीस लें, ठीक है, और उसमें उसको नीम गर्म पानी या चाय के साथ या कहवे के साथ जो है तकरीबन चौथाई चम्मच जो है सुबह दोपहर और शाम, हर किस्म के फीवर को फौरी तौर पर पसीना लाएगा और फीवर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, पसीना फुल वो जिस्म में होता ना, सही, बिल्कुल। और ऐसे ही कमरे में जो मच्छरों को भगाने की और भी कई चीज़ें हैं, मसलन आप लहसुन का पानी लीजिए, उसको पानी में स्प्रे कर लें, लहसुन को पानी को जबरदस्त एक आधा लीटर पानी में मिलाए और पूरे कमरे में स्प्रे कर लीजिए, मच्छर नहीं आएंगे। यकीन कर सर वो बातें बताएं, वो मुझे भी नहीं मालूम रही। इसी तरह लहसुन का पानी अपने जिस्म पे भी लगा सकते हैं, हाथ जो जो खुला हुआ हिस्सा है, और वो भी आपके लिए, वो भी मच्छर नहीं बैठेंगे। और फिर इसके हमारे अस्करी वाटर है जो जो नाज़रीन ये जादुई चीज है। जी हाँ, जी हाँ, ये अस्करी वाटर जो है ये बड़ी 101 इमराज की एक दवा है, हकीकत। ये कॉलरा, डायरिया, मतली का होना, कयाना, भूखा ना लगना, जिस्म में दर्द है और डिगी हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि इसमें आप बगलों पे ये लगा लीजिए, पैरों के तलों पे लगाएं, माथे पे लगाएं और गर्दन पे लगा लीजिए, 15 से 20 मिनट में आपका बुखार टूटना शुरू हो जाता है, जबरदस्त। और इसके कतरे पीना शुरू कर दे तो अंदर से ये डेंगू वायरल जो है इन्फेक्शन जो है बॉडी में जो डेंगू की जरासीम है वो किल होना शुरू हो जाते हैं, और यूं आपका लीवर जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि प्लेटलेट्स कमी हो जाती है यानी रेड सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में लाखों की तादाद में एकदम कम होते हैं, एकदम आदमी को जो है वो खून की कमी वाकया हो जाती है। अच्छा, आज इंसान को 2-3 दिन में पता नहीं लगता, पहले 2-3 दिन जिस्म में दर्द और फीवर और कह और मुंह का कड़वापन नज़र आता है, लेकिन उसके बाद जो है वो आदमी नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब उसका ब्लड चेक किया जाता है तो पता लगता है कि जी 10,000 या 12,000 हो गए हैं प्लेटलेट्स, तो फौरी तौर पर उसको बढ़ाने के लिए, अब देखिए जिन इलाकों में सेब या और अनार वगैरह नहीं है पहुंचे हुए बरसात में जो घिरे हुए हैं सैलाब में, अब उनके लिए क्या चीज़ है, उनको मैं बताता हूँ कि वो पानी में लोहे का एक टुकड़ा, फौलाद का टुकड़ा जो है पहले उसको सुरख करके और भुजा दे पानी में, आम पानी में, फिर उसके मिट्टी की हांडी में पानी लीजिए और उस पानी में 3-4 दफ़ा लोहे का वो फौलाद का टुकड़ा सुरख करके बुझा लें। क्या बात है, जबरदस्त। अब उस पानी में आयरन आ जाएगा। क्या बात, इंतहाई सस्ता नुस्खा है, मुफ्त का नुस्खा है, ये कहूंगी मैं। जी, अब उस पानी को सुबह दोपहर शाम रात जब आपको ऐसा लगे पानी पीते रहें, नेचुरली आयरन मिल गया। अच्छा, अब आपको अगर जहाँ से अर्के मको, अर्के कासनी, अर्क पुदीना मिल जाए तो वो भी उसमें शामिल कर लीजिए, यूँ आपका जिगर भी ठीक हो जाएगा, आपका जिगर का इन्फेक्शन भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख भी बेहतर हो जाएगी और बॉडी में आपके आयरन की कमी, जो हम कहते हैं कि जी अनार का जूस पिएं, सेब खाएं, गाजरों का इस्तेमाल करें, या अंगूर जो है जिसे जर्शिक कहते हैं छोटा अंगूर, वो लीजिए, अनारदाना, इमली, आलू बुखारा,
ये सब जो है हम वजन ले लीजिए, मिसाल के तौर पर ये सब 10-10 ग्राम ले लीजिए और इसको तकरीबन 3-4 गिलास पानी में इसको रात को भिगो दें और सुबह उसको मल छान कर इसका पानी जो है वो पिए और डायरेक्ट आपका ब्लड बनेगा, क्या बात है। अच्छा हकीम अस्करी साहब मेरे साथ मौजूद है, ये तो एक घर में जो किचन में चीजें मौजूद है ये इनकी बात करें, लेकिन इनकी अपनी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इनकी अपनी प्रोडक्ट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट है, मैं एक प्रोडक्ट की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, इनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं हम छोटी सी यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ स्पेशली पैकेज देखें।